अपनी एक गलती का अनुपम खेर को आज भी पछतावा है। यकीनन अनुपम खेर बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर्स में गिने जाते हैं। उन्होंने एक से बढ़कर एक कैरेक्टर्स निभाए हैं, लेकिन अपने घमंड की वजह से वो एक ऐसी गलती कर बैठे थे जिसका उन्हें आज भी बेहद अफसोस होता है। यही दीवाने नजर चैनल आपको अवगत कराता है कि 1988 में अनुपम खेर अपनी एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तभी वहाँ एक मामूली सी शक्ल का एक लड़का आता है और अनुपम खेर के साथ फोटो खिंचवाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन अनुपम उसकी जिद से झुंझला जाते हैं और उस लड़के को बुरी तरह डांट कर वहाँ से भगा देते हैं। समय का चक्र और 2022 में अनुपम खेर को साउथ की एक मूवी में एक साइड रोल के लिए साइन किया जाता है और जब अनुपम खेर शूटिंग पर जाते हैं तो भौचक के रह जाते हैं, क्योंकि फिल्म का हीरो वही लड़का था जिसे अनुपम खेर ने बेइज्जत करके भगा दिया था और वो थे साउथ इंडस्ट्री के मास महाराजा के नाम से मशहूर रवि तेजा। और जब रवि तेजा ने अनुपम खेर को वो किस्सा याद दिलाया तो अनुपम खेर ने रवि तेजा से अपने उस दिन के व्यवहार के लिए माफी मांगी और इतना ही नहीं, उन्होंने मीडिया में भी अपने बर्ताव के लिए शर्मिंदगी जताई और कहा कि स्टारडम के नशे में हम सभी स्टार ये सब गलतियां कर ही जाते हैं।